गुड मॉर्निंग क्लास, मैं मोहन कुमार सिंह, बीसीए डिपार्टमेंट, आरएसएस साइंस कॉलेज से। और हर बार की तरह इस बार भी सी प्लस प्लस का जो ये वीडियो सेशन है, तो इसमें आप सभी का वेलकम है। और आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड एम्बिग्यूटी इन सिंगल इनहेरिटेंस। दो छोटे छोटे टॉपिक्स को मैंने एक जगह मर्ज कर दिया है। तो पहले सिंगल और मल्टीपल इनहेरिटेंस दोनों को हम लोग जस्ट इससे प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, तो इसके डिफरेंसेस को एक बार देख लेते हैं। मेनली दो डिफरेंसेस है। कहता है ड्राइव क्लास हैज ओनली वन बेस क्लास। अगर ड्राइव क्लास के पास एक ही बेस क्लास है तो दैट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज द सिंगल इनहेरिटेंस। कहता है और मल्टीपल में कहता है ड्राइव क्लास हैज मोर देन वन बेस क्लास। एक से ज़्यादा बेस क्लास है तो वो मल्टीपल इनहेरिटेंस है। फिर उसके बाद कहता है ड्राइव्ड क्लास टिपिकली रिप्रेजेंट्स स्पेशलाइजेशन ऑफ इट्स बेस क्लास। देखिए बात को समझिए, सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि बेस क्लास, जैसे बेस क्लास जो है वो एक ही होता है, लेकिन मल्टीपल में क्या होता है, मोर देन वन होता है। पहले इसको भी देख लेते हैं, फिर दोनों बातों को समझते हैं। ए ड्राइव क्लास टिपिकली रिप्रेजेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स बेस क्लासेस, यानी अपने बेस क्लास के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कई सारे फीचर्स अलग अलग है। पहले इसको समझते हैं फिर इसको समझेंगे। तो यहाँ पे कहता है कि देखिए कि कई सारे फीचर्स अलग अलग चीज अलग अलग है, मतलब कई सारे टॉपिक्स है। बेस क्लासेस क्या है, अपने आप में एक टॉपिक है, और उन सभी टॉपिक्स को एक जगह पे कोई ड्राइव क्लास जो है, दो तीन यदि बेस क्लासेस है यानी दो तीन अलग अलग टॉपिक है और उसको कोई क्लास उससे इनहेरिट हो रहा है उन सभी से, तो ड्राइव क्लास के पास क्या होगा, उन सभी टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन होगा। सो डैट मल्टीपल इनहेरिटेंस में ड्राइव क्लास क्या शो करता है तो, या क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स बेस क्लास। लेकिन सिंगल इनहेरिटेंस में कई सारे टॉपिक्स तो है नहीं, एक ही टॉपिक्स है। तो अगर एक टॉपिक है या एक बेस क्लास है तो उसमें क्या करेगा, उसका स्पेशलाइजेशन, जैसे इसको जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन दो टर्म को समझना बहुत जरूरी है इसको समझने के लिए। जैसे देखिए, अगर हम लोग साइंस की बात करते हैं तो डेट इज जनरलाइजेशन, और यदि हम लोग मॉर्फोलॉजी या लोअर प्लांट या मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं या इलेक्ट्रोस्टेट की बात करते हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, तो दिस इज द स्पेशलाइजेशन। ओके, यानी कि जब हम लोग व्हीकल की बात करते हैं तो दिस इज द जनरलाइजेशन टर्म, और जब हम लोग व्हीकल से नीचे आते हैं तो कार से नीचे आते हैं तो बीएमडब्ल्यू, तो यदि बीएमडब्ल्यू की बात हम लोग कर रहे हैं तो दैट इज द स्पेशलाइजेशन। ओके, यदि मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ कि कंप्यूटर इज ए डिजिटल डिवाइस, तो दिस इज द जनरल टर्म। बट यदि मैं बात करता हूँ सी प्लस प्लस का और उसके अंदर भी इनहेरिटेंस का डिस्कशन कर रहा हूँ तो डेट इज स्पेशलाइज्ड टर्म। ओके, तो यानी कि जो पहले से जनरलाइज्ड फॉर्मेट में होता है बेस क्लास, उसको स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट में डिराइव्ड क्लास जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द केस ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। तो अब आप समझ गए होंगे दोनों डिफरेंसेस। फिर अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एम्बिग्यूटी इन सिंगल इनहेरिटेंस। एम्बिग्यूटी का अगर हम लोग हिंदी करें तो इसका हिंदी होता है संदेह, यानी किसी चीज़ पे संदेह या अस्पष्ट, यानी कि जो अस्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो, है ना। कहता है कि पहले इसके प्रोग्राम को देख लेते हैं पर तब इस थ्योरी को पढ़ेंगे। इस प्रोग्राम को आप जो है देखिए, अब यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, आप वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये नीचे जाएगा और आप इसको होल्ड करके नोट डाउन कर सकते हैं। एक बेस क्लास है, बेस क्लास के पास क्या है कि इंट सी है, यानी सी नाम का वेरिएबल और गेट नाम का फंक्शन है। ओके, अब डिराइव क्लास की बात करें तो डिराइव क्लास में भी क्या है, तो यहाँ पर भी सी नाम का वेरिएबल है और गेट नाम का फंक्शन है, यानी दोनों के पास, बेस और डिराइव के पास सेम वेरिएबल और सेम फंक्शन है। और दोनों ही क्या कर रहा है कि बेस क्लास का जो है 10 डाल रहा है सी में, और डिराइव क्लास सी में कितना डाल रहा है, 5 डाल रहा है। अब समस्या यहाँ पे आता है कि जब हम डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और जब उसके मेथड को कॉल करें, या डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से सी वेरिएबल्स को आउटसाइड द क्लास हम यदि यूज करते हैं,
तो कौन सा वाला सी या कौन सा वाला गेट, यानी कौन सा वेरिएबल बेस का वेरिएबल यहाँ पे शो होगा या डेराइव्ड का, फिर उसी तरीके से बेस का गेट मेथड कॉल होगा या डेराइव्ड का। तो मैं बता दूं कि जब भी हम डेराइव्ड के ऑब्जेक्ट से किसी को किसी मेथड को कॉल करते हैं या कोई वेरिएबल यूज करते हैं जो कि सेम नाम से बेस और डेराइव्ड दोनों में है, तो डेराइव्ड का ही बाय डिफॉल्ट एक्सेस होता है। ओके, तो अब यहाँ पे प्रोग्राम को देखें, यहाँ पे डेराइव्ड का ऑब्जेक्ट बनाया obj डॉट गेट, तो यहाँ से आपका जो है डेराइव्ड का फंक्शन कॉल होगा और आपको लिख देगा ये कि बेस सॉरी डेराइव फंक्शन कॉल्ड, ये सबसे पहला लाइन आउटपुट आएगा इसको जब हम रन कराएंगे तो। ओके, और सी में क्या करेगा, 5 डाल देगा। उसके बाद जब यहाँ से गेट फंक्शन को इस तरीके से कॉल करेंगे, यानी कि डेराइव्ड का ऑब्जेक्ट डॉट बेस क्लास नेम, यानी कि बेस क्लास का नेम क्या है, बेस ही है, और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड आफ्टर डेट कॉल करेंगे तो इस तरीके से बेस का फंक्शन कॉल होगा। ओके, और फिर उसी तरीके से अगर वेरिएबल को एक्सेस करना है तो डेराइव्ड के सी वेरिएबल्स को लेना है तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के थ्रू, ये नॉर्मल तरीका है, लेकिन बेस के वैल्यू को, बेस के वेरिएबल को लेना है तो उसी तरीके से नेम ऑफ द सॉरी ऑब्जेक्ट नेम ऑफ डेराइव्ड क्लास, यानी डेराइव्ड का ऑब्जेक्ट डॉट बेस और उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ से बेस वाले में सी में हम लोग 10 डाल रहे हैं तो 10 देगा। अब इस प्रोग्राम को आप लोग रन करा करके, वैसे मैं भी रन करा के दिखा दूंगा इसको, चलिए पहले मैं रन ही करा देता हूँ इसको। रन कराने के लिए मुझे टर्बो सी में जाना पड़ेगा, टर्बो सी में जाते हैं, खुला है ये, यहाँ पे देखिए सेम प्रोग्राम है, इसको ध्यान से देखिए, बेस के पास क्या है, बेस के पास सी वेरिएबल है, गेट फंक्शन है, उसी तरीके से ड्राइव के पास भी सी वेरिएबल है और गेट फंक्शन है। ओके, इससे आगे चलते हैं, तो यहाँ पर डेराइव्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट से हमने गेट को कॉल किया, तो यहाँ से क्या होगा, डेराइव्ड का कॉल होगा, यहाँ से क्या होगा, बेस का कॉल होगा, यानी पहले डेराइव्ड का कॉल होगा और लिखेगा डेराइव्ड फंक्शन कॉल्ड और सी में 5 डाल देगा, फिर बेस का गेट फंक्शन कॉल होगा इस तरीके से यूजिंग द स्कोप रेजोल्यूशन एंड नेम ऑफ द बेस क्लास, और उस और वो क्या करेगा, सी में फिर कितना डाल देगा, 10 डाल देगा, और उसी तरीके से जब दोनों वेरिएबल को मेन में हम एक्सेस करेंगे तो obj डॉट सी से डेराइव्ड का सी यहाँ पे एक्सेस होगा और obj डॉट बेस स्कोप रिजोल्यूशन एंड सी का यूज करेंगे तो बेस का होगा। चलिए इसको रन करा के हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं कि डेराइव्ड फंक्शन कॉल्ड, सेकेंड लाइन में क्या हुआ है, बेस फंक्शन कॉल्ड, थर्ड लाइन में पहले obj डॉट सी किया है obj डॉट सी से, तो यहाँ पे 5 आ रहा है डेराइव्ड का वैल्यू और फिर 10 आ रहा है किसका, बेस का, यानी obj डॉट बेस क्लास नेम, यानी कि बेस और स्कोप रिजोल्यूशन, यही हम लोग यूज किए हुए हैं यहाँ पे जो कि सिलेक्टेड है। चलिए प्रोग्राम को हम लोग देख लिए, अब वापस हम लोग थ्योरी पे आ जाते हैं। तो देखिए अब थ्योरी क्या कहता है, एम्बिग्यूटी इन सिंगल इनहेरिटेंस कहता है व्हेन एवर ए डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, यानी कि डाटा मेंबर का मतलब वेरिएबल या कोई मेंबर फंक्शन, दोनों में से कोई भी आर डिफाइंड विथ सेम नेम इन बोथ द बेस एंड द डेराइव्ड क्लास, बेस और डेराइव्ड दोनों में सेम नाम से अगर डिक्लियर है या डिफाइंड है, देन द नेम मस्ट बी विदाउट एम्बिग्यूटी। तो इस तरीके से नेम जो है वो निश्चित रूप से जो है वो संदेहास्पद हो जाता है ना, अस्पष्ट हो जाता है, एंड टू रिमूव दिस, और इस एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इज यूज, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का हम इस्तेमाल करते हैं टू रेफर एनी बेस मेंबर एक्सप्लिसिटली, यानी बेस मेंबर को एक्सप्लिसिटली रेफर करने के लिए, यानी कि obj डॉट क्लास नेम, तो यहाँ क्लास नेम का मतलब है बेस क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन एंड आफ्टर डैट फंक्शन नेम, या फिर कोई वेरिएबल है बेस का तो वो।
अब एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली ये पहले भी मैं जिक्र कर रखा हूँ, फिर एक बार जिक्र कर देता हूँ कि देखिए डायरेक्टली जो हो अपने आप हो तो अपने आप ये डिराइव्ड का ही होगा, सो दिस प्रोसेस इज इम्प्लिसिटली। लेकिन इसके साथ बेस जब हम बेस क्लास का नेम यूज करते हैं और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं तो डैट प्रोसेस इज एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली का मतलब जो अपने आप नहीं हो, इम्प्लिसिटली का मतलब जो अपने आप होता है। ओके तो इस तरीके से आप समझ गए होइएगा इसको, और मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। इनहेरिटेंस का जो नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा उसके साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। और मैं फिर से आपको बताता हूँ कि यदि आपको किसी तरह का वीडियो में परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डालना ना भूले, और मैं निश्चित रूप से उसे रिसोल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद।